साहब कह रहे थे कि वो होते हैं ना उनको जमीन ही जमीन दिखती है। तो फिर भी आप कह रहे हो सड़क चाहिए सड़क चाहिए, तो मैंने कहा सारे कटान रास्तों पे सड़क कर दो, ये किसी जननेता के लिए संभव नहीं, क्योंकि आप कर भी देंगे तो नए कटान हो। लेकिन मुख्यतः आपकी जो थी वो पूरी हो गई, एक नलकूप की पता नहीं क्या थी, एक बंद हो गई और वापस चली, एक बीच में बहुत लंबी रामायण चली थी, क्या थी वो मुझे अभी भी समझ में नहीं आई, कौन सी बंद हुई कौन सी खुली, लेकिन हमने एक नई दे दी पीएचडी। दूर जाना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए, तो मैंने कहा लीजिए उप स्वास्थ्य केंद्र करते थे। फिर आएगी साहब पशुओं को सुई देने के लिए जाना पड़ता है, तो मैं लीजिए पशुओं का भी स्वास्थ्य केंद्र ले लीजिए आप, वो भी हमने करा दिया। आपके नवीन पटवार मंडल करा दिया मंजी है, तो आपके महादेव नगर में आपका अपना खुद का पटवार मंडल करवा दिया। फिर जिला परिषद से आपने यहां पर जिला प्रमुख बनी लीला जी बदेरना जोधपुर की, उनके पास कलम आया तो उन्होंने वो भी महादेव नगर के चला दिया, और आपको यहाँ पर डौकिया के पास आबादी में वाचनालय दिया उन्होंने जिला परिषद के मत से। फिर डौकियों के पास की सड़क दे दी 1,20,00,000 की, वो भी आपकी बन गई। फिर अर्जुन देव नगर को भी दे दी 3,20,00,000 की, वो भी बन गई। पानी है बढ़िया अच्छी। फिर आपने मैथल गए कि आप छतानियों की ढाने की सड़क निकालो कैसे भी करो, तो बहुत मुश्किल से कहीं से बजट एडजस्ट करके हमने वो भी दे दिया। इतने काम किसी ग्राम पंचायत में नहीं होंगे जितने महादेव नगर के अंदर हुए, बड़े बड़े काम, छोटे काम तो मैं बोल ही नहीं। आपकी संपर्क सड़क महादेव नगर, संपर्क सड़क डौकिया का बाद संपर्क सड़क अर्जुन देव नगर ESR महादेव नगर ESR, आपकी 10वीं से 12वीं स्कूल, 5वीं से 8वीं स्कूल, नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय केंद्र, ये तो सब बड़े बड़े काम है। और इतने सारे सब शिक्षा में बिजली में स्वास्थ्य में हर क्षेत्र में इतने बड़े बड़े काम होना हर ग्राम पंचायत में संभव नहीं है, तो ये मैं मानती हूँ कि महादेव नगर के अंदर ये सारे बड़े काम हुए नहीं हुए। तो 5 साल बाद जब वोट आएंगे और आप काम का आकलन करोगे, तो आपने 10 मांगे मैंने 21 काम किए, मेरे वादे तो 2-3 ही थे, आपने 10 मांगे तो मैंने 21 काम किए। तो आप अब कोई भी कहीं भी चले जाओ, कोई भी पट्टे पहन लो किसी कारण काम में, तो आपको मुझे 100 में से 100 अंक देने पड़े, 100 में से 100 अंक देने पड़े, इसको तो आप नकार नहीं सकते। और उसका कारण बनता है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़के आपसे वोटों की अपील करते हैं, आप अपने विवेक से अपना निर्णायक फैसला लेते हैं, और हम जब जीत के जाते हैं तो हमें पता है कि मीठा चूरमा गजब का किसने जिम है, वहां झटके पहन सकते हैं, ठीक है। ये तो प्रकृति का नियम है, बच्चे भी ननिहाल ज्यादा जाते हैं, जाते नहीं जाते कि लाड रखते हैं, वहां कोई पाबंदी नहीं है, सब कुछ गोलियां दिलाओ ट्रॉफी दिलाओ सब चलता है।